हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास एट की पॉइंट टू, क्लास एट की जो पॉइंट टू है अबू बिन एडम, उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं हम। क्लास एट के पॉइंट टू अबू बिन एडम के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोइट प्रेज मे हिज ट्राइब इंक्रीज, द पोइट प्रेज, द पोइट प्रेज मे हिज ट्राइब इंक्रीज। पॉइंट ये प्रे कर रहा है कि उसका जो ट्राइब है वो क्या हो, इंक्रीज हो, ठीक है, मतलब उसका जो कबीला है वो बढ़ जाए, ठीक है। व्हाई डज द पॉइंट मेक दिस प्रेयर, व्हाई डज द पॉइंट मेक दिस प्रेयर। अभी जो पॉइंट है वो ऐसी प्रेयर क्यों कर रहा है, ठीक है। जो अबू बिन एडम था वो अपने फेलोमेंट्स को बहुत प्यार करता था, मतलब उसके साथ के जो लोग थे, इंसान थे, उन्हें बहुत प्यार करता था, और पॉइंट चाहता था कि सारे लोग उसके जैसे बने, ठीक है, इसके लिए, इसलिए वो ये प्रे कर रहा था। अभी हमें इसे ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, इंग्लिश में लिखना है। तो इसका आंसर क्या है, दैट अबू वॉज आ पायस मैन, PIOUS, पायस मैन मतलब पवित्र आदमी था। ही लव्ड हिज फेलो मेंस, FELOW फेलो मैन, वो क्या था, अपने फेलोमैन मतलब अपने साथ के जो लोग हैं उन्हें बहुत प्यार करता था। द पॉइंट मेक्स दिस प्रेयर सो, द पॉइंट मेक्स दिस प्रेयर सो दैट मोर एंड मोर पीपल, सो दैट मोर एंड मोर पीपल शुड बिकम लाइक अबू। वो ये प्रेयर इसलिए कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हैं, अबू के जैसे बन जाएं, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड अबू सी व्हेन ही वॉक अप From his dream। जब अबू अपने सपने से उठा तब उसने वहाँ पे क्या देखा था, उसने एक एंजल देखा था जो बुक पे कुछ लिख रहा था, ठीक है। इसका मतलब ही सा एन एंजल इन हिज रूम, कि उसके कमरे में क्या है, एक एंजल है, राइटिंग समथिंग इन अ बुक, कि वो जो एंजल है वो क्या है, बुक पे कुछ लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैड मेड अबू बोल्ड। अबू को कौन सी चीज़ है बोल्ड बनाती है, मतलब कौन सी चीज़ ने उसे साहस दिया, किसने साहस दिया था उसे, शांति में जो वातावरण था, द पीसफुल एटमोसफेयर, द पीसफुल एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, व्हाट डिड अबू आस्क द एंजल। अबू ने एंजल से क्या पूछा, अबू आस्क द एंजल व्हाट इट वाज राइटिंग, कि वो क्या लिख रही है, व्हाट इट वाज राइटिng, WRITING, राइटिंग। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, व्हाट वाज द
एंजल्स रिप्लाई, जब अबू ने उसे ये चीज़ पूछी तो एंजल ने उसका क्या रिप्लाई किया, एंजल ने उसे क्या आंसर दिया? द एंजल रिप्लाइड, द एंजल रिप्लाइड दैट ही वॉज राइटिंग, एंजल रिप्लाइड दैट ही वॉज राइटिंग द नेम्स ऑफ दोज, नेम्स ऑफ दोज Who love God? Who love God? उसने बोला कि वो उन लोगों के नाम लिख रही है जो भगवान से प्यार करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What did Abu request? What did Abu request the angel to do? अभी अबू जो है उसने एंजल से क्या करने की रिक्वेस्ट की थी, तो इसका आंसर क्या होगा, अबू रिक्वेस्टेड, अबू ने ये रिक्वेस्ट की थी कि उसका नाम उन लोगों में लिख दिया जाए जो अपने फेलो मैन से प्यार करते हैं. अबू रिक्वेस्टेड द एंजल, एंजल टू राइट हिज नेम, राइट हिज नेम अमंग दोस, अमंग दोस Who love their fellow men? कि उसका नाम उन लोगों में लिख दिया जाए जो अपने fellow men से प्यार करते हैं, अपने साथ वाले जो लोग होते हैं उनसे प्यार करते हैं. चलिए इसके बाद चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. Just wait a minute. Okay. Now question number 7. Question number 7 क्या है, What did एंजल शो अबू द नेक्स्ट नाइट, द नेक्स्ट नाइट अगली रात को उस एंजल ने अबू को क्या दिखाया. द नेक्स्ट नाइट द एंजल कम अगेन, एंजल केम, सी ए एम ई केम अगेन, अगली रात को वो एंजल फिर से आई, ठीक है. ही शोड, उसने अबू को क्या दिखाया, ही शोड अबू द लिस्ट ऑफ, द लिस्ट ऑफ दोस हुम गॉड लव्स, उसने उन्हें वो लिस्ट दिखाई जिसमें ये लिखा था कि गॉड किसे किसे प्यार करता है. उसके बाद क्या, अबूज नेम, अबूज नेम वॉज At the top, और उनमें से जो अबू था उसका नाम कहाँ पे था, टॉप पे था, मतलब अबू का नाम क्या है, सबसे ऊपर था. तो स्टूडेंट्स ये थे आपके इस लेसन के 7 क्वेश्चंस, होप आपको समझ आ गए होंगे. अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.